दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पर ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यार है। क्या किसी और को देखोगे तो कुछ होगा नहीं क्या अंदर? होगा, लेकिन हम झूठ बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है, वो छुप करके उधर देख रहा होगा, वो छुप करके उधर देख रही होगी, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को हम प्यार समझते हैं। तो दैट विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लव। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार व्यार तो कहीं है ही नहीं, कमिटमेंट है। और कमिटमेंट करते ही क्या होता है, बंध जाते हैं दो लोग आपस में। जहां बंध जाते हैं और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो दैट लीड्स टू अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पे जेलसी होगी, बहुत तगड़ी जेलसी होगी। किसी और की फोटो तक लाइक कर दी तो गए, हो गया काम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या कमिटमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट किस लिए जरूरी है? और कमिटमेंट का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है कमिटमेंट का। कमिटमेंट किस लिए जरूरी है? इस सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। बट अब एक बड़ा मजेदार यहां पे एंगल है, वो आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके लिए एक ही काफी है, खुद को देखना है। तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है, उसको लग रहा अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जा करके रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। तो प्यार क्या है? खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। ऐसा भी कुछ है यहां पर इस दुनिया में, ऐसा भी एक मटेरियल है जो सब में है, उसी में सब कुछ हो रहा है, जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि दो कैमरा आमने सामने रखे हुए हैं, इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि ये फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है, कैमरा मेल और फीमेल है, देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला, वो मेल फीमेल नहीं, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं, इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो, अभी एकदम से नहीं होता है। नाउ व्हाट यू वांट इज, की सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पर कोई लड़की दिखी उसको जाकर के बोलना शुरू कर दिया, चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी, तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदे में, पहले प्रॉपरली समझना फिर आगे कुछ करना। एक तरफ तू ही तू है, दूसरी तरफ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डांटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसकी झंड करी, कहां है ये सब? कहीं भी नहीं है। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे क्या करते हो, तोड़ते हो अपने दांतों को? आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जीभ की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का, नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं, ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पर अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा, अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ, ब्रेकअप प्यार है। कैसे? अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहां पे कोई चोट लगी,
और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा, इस हाथ को नहीं काटोगे तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूं, एक तरफ ना मैं हूं ना तू है। ये हाईएस्ट लेवल है प्यार। ये कैसी नजर है? जैसे एक नदी में दो अलग अलग लहरें हैं। एक तो नजर हो सकती है लहरों की नजर, जो इस दुनिया की नजर है, जहां पे दोनों लहरें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? कभी सोचा है? कभी ये थॉट आया माइंड में कि मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई, मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ? बड़ा सिंपल है जी। यहां पे जो लहर है, यहां पे जो लहर है, इस लहर के अंदर जो इंफॉर्मेशन फीडेड है, जैसी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हो, जैसी कहानियां सुन करके बड़े हुए हो, जैसी भी इमेजेस पड़ी हुई है, उन इमेजेस से मिलती जुलती कोई लहर सामने नजर आती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो अंदर इमेजेस पड़ी हुई थी उससे कोई मैच हुआ, जैसी मैच हुआ एकदम से स्पार्क हुआ, ओ भेद तेरी ये क्या है? कुछ नहीं, सपने हैं वो सारे के सारे, उसका प्यार व्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। सपने होते ही टूटने के लिए है। सपने का एंड रिजल्ट क्या है? टूटना ही है, और जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। कुछ भी सपने देखते रहो तो सपने देखना प्यार नहीं है, जाग जाना प्यार है। आगे बढ़ता हूं एक स्टेप और। अब ये लहर की दोनों नजरें हैं कि मैं ये लहर हूं, तू ये लहर है। दूसरी नजर क्या हो सकती है? अगर एक नदी में जाकर के आप किसी लहर को छू रहे हो, किसको छू रहे हो? पानी को। तो लहर कहां है? उस किसकी फॉर्म है वो लहर? पानी की। तो एक्चुअल में क्या है वहां? पानी नहीं है। ये बात देख पा रहे हो या सब ऊपर से जा रहे हैं? कि अगर आप ये देखो कि मैं हूं ही नहीं, दूसरी तरफ तू भी नहीं है, क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। अब किससे नफरत करोगे? एक लहर हो तो औरों से नफरत करोगे ना, ये मेरे से आगे निकल गया, होता नहीं कंपटीशन, कंपैरिजन। किससे अपने आप को कंपेयर करोगे? पानी किससे अपने आप को कंपेयर करे? जो लहरें हैं वो बाहर से ढोंग कर सकती है अपने आप को सब नॉर्मल दिखाने का, लेकिन अंदर से नॉर्मल हो नहीं सकती। ये लहर की नजर ही खराब है। इस लहर की नजर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, बाहर भी और अंदर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाहर लड़ाई झगड़े नहीं है लेकिन अंदर है, क्योंकि बाहर करने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जब अंदर कोई लड़ाई नहीं है वो प्यार है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जब उसकी जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन अपने आप आती है, वो यूज हो जाती है, उसके हिसाब से जो काम होना होता है वो हो जाता है। बट एक्चुअल में पास्ट कहीं पर भी नहीं है, फ्यूचर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभी ही अभी है। पानी के लिए पास्ट कहां है? लहर का तो पास्ट है, मैं एक साल पहले वहां पर थी, अब मैं यहां। पानी का कहां है? पानी तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर पानी नहीं है। तो अगर आप पानी हो गए तो अब आपको किसी एक से प्यार नहीं हो रहा है, सबसे प्यार हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, अगर सबसे प्यार हो गया है तो सबके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं है? अबे मरना है क्या सबके साथ रिलेशनशिप में जाकर के? सबसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे सबसे कौन शादी करेगा, एक से ही कर लो, वही काफी है। और अगर उस प्यार की डेप्थ को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए एक ही काफी है। हजार लहरें थोड़ी चाहिए, एक ही काफी है। एक के थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक की आंखों में देख रहे हो तो सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो।